किसी भी व्यवस्था में अगर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का रोग लग जाए तो वो न तो स्वस्थ रह सकती है और न ही सुचारू तरीके से कार्य कर सकती है। दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश के सरकारी महकमे भी कुछ हद तक इसी रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीते दिनों प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में एक के बाद एक कई रिश्वतखोर विजिलेंस के गिरफ्त में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूँ आपके साथ पूजा चौहान। हालिया मामला जबलपुर का है। लोकायुक्त की टीम ने संभाग आयुक्त कार्यालय में पदस्थ एक बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू का नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है। साहब कमिश्नर कार्यालय में Grade 3 पर पदस्थ है। बाबू ने एक मकान पर लगे कोर्ट के स्टे को हटवाने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने बाबू को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बना ली और साहब रंगे हाथों धरे गए। कमिश्नर कार्यालय के कमरा नंबर 16 में बाबू रिश्वत लेते पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोकायुक्त ने बाबू को लेकर सर्किट हाउस गेस्ट हाउस चले गए, जहां कार्रवाई की। लोकायुक्त DSP दिलीप झरबरे ने बताया कि अभिषेक कुमार पाठक के बड़े भाई अजय कुमार की पत्नी के नाम चौकीदार भरपुरा में एक मकान है। इस मकान पर अतिक्रमण को लेकर SDM कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जिसमें स्टे दिलवाने के लिए अतिरिक्त संभागायुक्त कार्यालय में केस लगाया था। इस मामले में राहत दिलवाने के लिए बाबू महेंद्र कुमार मिश्रा ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत अभिषेक ने लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। जाहिर है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। लोकायुक्त की टीम हर दिन कार्रवाई कर रिश्वतखोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।